ज्वाइंट वेंचर के टाइप्स पढ़ चुके हैं। और क्या पढ़ा? टाइप्स पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ा? एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फॉर्मेशन, एग्जांपल्स, कैसे आइडेंटिफाई, पूरा पढ़ा। अब क्या पढ़ने वाले हैं? डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ध्यान देंगे। यहां पे उन्होंने कहा तीन स्टेजेस है। कितनी स्टेजेस है? तीन। पहली स्टेज क्या लिखा है? पहला है क्या है? फैमिलराइजेशन, फैमिलर होना। फैमिलर होना मतलब क्या? एक दूसरे से जान पहचान। दूसरी स्टेज इंगेजमेंट। तीसरी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग। तीन स्टेजेस है। किस चीज की स्टेजेस पढ़ रहे? ज्वाइंट वेंचर। इन्होंने कहा कि जब आप ज्वाइंट वेंचर करने जाते हो तो सबसे पहले पार्टनर को समझते हो। उन्होंने कहा पहले फैमिलर हो जाओ, अटेम्प्ट टू नो ईच अदर। सबसे पहली स्टेज में हम एक दूसरे को जानने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी जो सेकंड स्टेज है इंगेजमेंट, इसमें हम अब एक दूसरे से कमिटमेंट कर रहे हैं, लेकिन अब ये फाइनल नहीं हुआ। सबसे लास्ट स्टेज होती है ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, जिसमें हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ द ज्वाइंट वेंचर फाइनली डिसाइड हो गए, ठीक। अब जब तीन अलग अलग स्टेजेस, तीन अलग अलग स्टेजेस के अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो ये लिखा है ईच स्टेज डॉक्यूमेंट्स इज डिफरेंट। सबसे पहली स्टेज होती है एमओयू। फुल फॉर्म क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंड। सिंपल लैंग्वेज बोलू तो अग्रीमेंट, टेक्निकली बोलू तो एमओयू साइन हो रखा है। हम कभी सुना होगा तुमने कि भैया हमारा इंस्टीट्यूट आईसीएसआई ने ऑस्ट्रेलिया, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज है, उनके साथ एमओयू साइन कर रखा है। दैट मींस क्या कर रखा है? अग्रीमेंट कि भाई हमारे यहाँ के जो सीएस पास स्टूडेंट है वहां पे भी आराम से काम कर सकता है, ठीक है। सब्जेक्ट टू कुछ छोटी मोटी टर्म्स एंड कंडीशन, क्लियर है। तो एमओयू मतलब क्या होता है? अग्रीमेंट। तो सबसे पहला इन्होंने कहा फर्स्ट स्टेज में तो एमओयू होता है, जनरल सिग्नेचर करो, जनरल अग्रीमेंट करो कि चलिए हम आपस में ज्वाइंट वेंचर करने को तैयार है। ये इनिशियल स्टेज होता है। एमओयू में क्या क्या लिखा रहता है? ड्यूटीज लिखी रहती है दोनों पार्टीज की, रोड मैप होता है कि क्या फ्यूचर में प्लान करो। सेकंड क्या था हमारा? एंगेजमेंट। एंगेजमेंट में क्या होता है? फिर वेल, ड्राफ्ट। ड्राफ्ट है ये, अभी मतलब अभी कंप्लीट नहीं है। आपने एक दूसरे से कमिटमेंट किया, एक बार चेक करा रहे कि देखो ये हम टर्म्स एंड कंडीशन डाल रहे हैं। और फाइनल स्टेज जब अंडरस्टैंडिंग आएगी तो आपका ड्राफ्ट पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जिसे हम ड्राफ्ट अग्रीमेंट नहीं कहेंगे, उसे फाइनल अग्रीमेंट कहेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे बस उन्होंने लिखा है कंक्लूसिव स्टेज हाई कॉन्फिडेंस होता है, मतलब कि उसमें सारी चीजें फुल एंड फाइनल हो गई। तो कितनी स्टेजेस है? तीन। पहला फेमिलर हो जाओ, दूसरा इंगेज, तीसरा अंडरस्टैंड। स्टार्टिंग में एमओयू साइन होता है, फिर ड्राफ्ट होता है, फिर फाइनल होता है। कुछ नहीं, बस ये डॉक्यूमेंट्स है, बहुत चिल्लर डॉक्यूमेंट्स है, कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स नहीं बताए, ठीक। चलिए, इन अ कंपनी, अगर आप कंपनी, ज्वाइंट वेंचर दो टाइप के होते हैं, एक होता है इक्विटी, दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्चुअल। आर्टिकल कहाँ आएगा? इक्विटी में आएगा, क्योंकि कंपनी, इन्होंने कहा अगर आपने कंपनी बनाई है, ज्वाइंट वेंचर इक्विटी वाला बनाया, दैट मीन्स आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? आर्टिकल। क्योंकि आर्टिकल के अंदर ही तो लिखोगे दोनों पार्टीज के सारी ड्यूटीज एंड ऑल सारी चीजें, ठीक। चलिए सीधा हो जाओ नेक्स्ट हेडिंग में। इन्होंने कहा एसेंशियल फीचर्स। अब आपका जो शेयरहोल्डर अग्रीमेंट है, ज्वाइंट वेंचर अग्रीमेंट है, पार्टनरशिप अग्रीमेंट है, जो बोलना है बोलो। हम इस चैप्टर में सीख रहे तो हमारे हिसाब से तो क्या होना चाहिए? ज्वाइंट वेंचर अग्रीमेंट होना चाहिए। शेयरहोल्डर अग्रीमेंट कहीं सुना सुना है? कंपनीज एक्ट में, जो बाहर इंडिया के बाहर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब क्योंकि इंडिया के बाहर का कॉन्सेप्ट है, हमारा इंडिया ही अलाउ करता है क्या? नहीं। हमारा इंडिया साफ साफ बोलता है कंपनी के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आर्टिकल, मेमोरेंडम, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आर्टिकल सबसे ज्यादा सुप्रीम है, ठीक। लेकिन उन्होंने कहा अलग अलग टर्म यूज किया है, हम यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर अग्रीमेंट बोलेंगे, ठीक। इसे शेयरहोल्डर अग्रीमेंट भी बोला जा सकता है। क्यों शेयरहोल्डर अग्रीमेंट? क्योंकि कंपनी बनाई है, शेयर होल्डर अग्रीमेंट वो से कह रहे हैं, हम इसे ज्वाइंट वेंचर अग्रीमेंट कह रहे हैं। हमारी इंडिया में ज्वाइंट वेंचर अग्रीमेंट बोला जाता है, भले ही बाहरी से क्या बोला जाएगा? शेयरहोल्डर अग्रीमेंट, ठीक है। पार्टनरशिप अग्रीमेंट क्यों बोला? क्योंकि आपने एलएलपी बनाई है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने किस किस को अलाउ कर रखा है? कंपनी, एलएलपी, तो एलएलपी अग्रीमेंट, ठीक। कुछ की इश्यूज है इस अग्रीमेंट में, सारे पॉइंट्स होने से सारी की बातें, सारी बातें चल रही है। क्या लिखा है? बिजनेस बताओ क्या कर रहे हो। नेक्स्ट क्या बताया? किस तरीके से रिसोर्सेस लाओगे। रिसोर्सेस मतलब ये सारी चीजें कुछ फॉरेन कंट्री लेकर आ रही थी, फॉरेन कंपनी लेकर आ रही थी, और हम यहाँ पे कुछ दे रहे थे। फॉरेन कंपनी क्या क्या लेकर आ रही थी बताओ? फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट स्किल्स और मार्केटिंग, ठीक है। इंडिया क्या दे रहा था? चीप लेबर, जमीन दे रहा था, फैक्ट्रीज, रॉ मटेरियल, वेरी गुड। चलिए प्रोविजन बता दो कि भैया कैसे अलॉट होगा शेयर, कैसे होगा ट्रांसफर, क्योंकि बाहर की इक्विटी शेयरहोल्डर है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बताओ, और अगर आपकी क्या एलएलपी है तो डेजिग्नेटेड पार्टनर। मैनर ऑफ डिसीजन मेकिंग, कैसे डिसीजन लिया जाएगा, मेजोरिटी वोट लिया जाएगा या फिर ये क्या लिखा है? कंसेंस मतलब क्या होता है? कंसल्ट करना, पूछना।
तो एक तरीके से मेजोरिटी वोट से मतलब उनका क्या है, कैसे पूछा जाएगा, कैसे डिसीजन फाइनल लिया जाएगा, दोनों को मिलकर कैसे कंसर्न से डिसीजन लिया जाएगा, म्यूचुअल कंसर्न, ठीक है। डिसीजन रिगार्डिंग चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, कौन चेयरमैन बनेगा, कौन मैनेजिंग डायरेक्टर, क्योंकि डिस्प्यूट हो सकते हैं, तो पहले से ही टर्म्स एंड कंडीशन में लिख दो ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। पर्सन रिस्पॉन्सिबल मैनेजिंग फाइनेंस मार्केटिंग प्रोडक्शन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, क्योंकि डिविडेंड कौन देता है, प्रपोज करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फाइनल करेंगे शोल्डर, तो इसकी क्या पॉलिसी होगी बता दो। टर्म्स ऑफ दी मतलब ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है, ठीक है। चलिए नॉमिनेटेड डायरेक्टर, डायरेक्टर का नॉमिनेशन के ड्यूरेशन की बात हो रही है। मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट चेंज कैसे किया जाएगा। वैल्यूएशन ऑफ दी कंपनी एट द टाइम ऑफ सेपरेशन, अलग अलग हो जाएंगे तो दोनों को फिर कैसे क्या मिलेगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, झगड़ा हो गया तो कैसे रिजोल्व किया जाएगा, ये सारी चीजें अग्रीमेंट में लिख दो। अग्रीमेंट की कुछ की इश्यूज है, क्लियर है। सेम बात है, क्या लिखा है, सेम ज्वाइंट वेंचर अग्रीमेंट में क्या लिखा है, एसेंशियल कंपोनेंट, फिर से सेम है। पूरा डिस्क्रिप्शन दो अपने बिजनेस का जो भी अग्रीमेंट को लेकर, पार्टीज का फुल डिस्क्रिप्शन दो, क्या लिखा है, रिसाइटल, ऑपरेटिव पार्ट, लीगल एस्पेक्ट्स। ये क्या बातें कर रही थी, अजीब अजीब से हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। क्या आपको ये वाले पूरे पॉइंट समझ में आए। अगर पूछा जा रहा है कि अग्रीमेंट बनाना है आपको, ठीक है, तो अग्रीमेंट जब टर्म्स एंड कंडीशन होते तो ये टर्म्स एंड कंडीशन है, ये समझ में आ गई, ये भी टर्म्स एंड कंडीशन ही है, लेकिन ये इन्होंने इस तरीके से दे रखा है जिस तरीके से आपको ड्राफ्ट करना है। प्रोफेशनल में आपका ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट होता है, उसमें आपको ड्राफ्ट करना होता है, ड्राफ्ट करने का एक तरीका होता है। अगर आप एक अग्रीमेंट बना रहे हो तो अग्रीमेंट में दोनों पार्टीज का नाम लिखा होगा पक्का, तो सबसे पहले एक पार्टी का नाम लिखा, फॉर एग्जाम्पल इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी का फुल डिस्क्रिप्शन, ठीक। फिर नीचे दूसरी पार्टी का नाम लिखा होगा फॉरेन कंपनी, फुल डिस्क्रिप्शन, दो हो गया। तो इन्होंने ये लिखा है डिस्क्रिप्शन नेचर ऑफ द अग्रीमेंट, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बताओ आपका बिजनेस क्या है, कौन सा बिजनेस करने वाले हो, फाइनेंस वाला, कॉर्पोरेशन करने वाले, टेक्नोलॉजी वाला, कोलैबोरेशन करने वाले, कौन सा कर रहे हो, तो ये आप बता दो पहले डिस्क्रिप्शन। फिर उसके बाद क्या बताया, पार्टी का फुल डिस्क्रिप्शन। यहां पर भी यही था, लेकिन यहां पर ज्यादा सिस्टमैटिक तरीके से बता रहे हैं, जब आप बनाओगे सीखोगे, क्योंकि आपका एग्जीक्यूटिव लेवल में नहीं है इसलिए मैं सिखाऊंगी भी नहीं, फाइनल में ही होता है, फाइनल में ही अपन सीखेंगे, ठीक है। लेकिन सेम चीजें हैं, लेकिन आपको सिखा रहे हैं कि वन बाय वन पहले क्या करते थे। सबसे पहले आपको क्या करना है, नेचर बताओ, बिजनेस क्या करने वाले हो, टेक्नोलॉजी वाला है, फाइनेंस वाला है, मार्केटिंग वाला है, जो है बता दो, पहले ऊपर बता दिया, हेडिंग नहीं समझ में आ जाएगा। दूसरा क्या है, पार्टीज का फुल डिस्क्रिप्शन, दो समझ में आ गया। चलिए तीसरा क्या बोल रहा है, रिसाइटल। बच्चा एप्लीकेशन लिखिए कभी स्कूल में, लीव एप्लीकेशन, सब्जेक्ट में क्या लिख दो, सिक लीव। एप्लीकेशन मतलब कि सब्जेक्ट आपको शॉर्ट में बता देता है, क्या बता देता है कि भैया अंदर जो पूरी बॉडी में लिखा हुआ क्या लिखा है, सेम। इन्होंने बोला एक है रिसाइटल, एक होता है ऑपरेटिव पार्ट। रिसाइटल में शॉर्ट में ही बता दिया जाता है, जस्ट लाइक का सब्जेक्ट जो एक एप्लीकेशन में होता है कि ये किस चीज को लेकर बोल रहा है, और आगे अंदर ऑपरेटिव पार्ट आएगा। जो ये ऑपरेटिव पार्ट है ये मेन टर्म्स एंड कंडीशन है, मतलब ये सब क्या था, ऑपरेटिव पार्ट। क्या ये बात समझ में आ रही है, वापस ये पूरे जो टर्म्स एंड कंडीशन है ये किसके पढ़े आपने, ऑपरेटिव पार्ट के। मतलब कि ऑपरेटिव पार्ट में आप वो सारी बातें कंप्लीट लिखो, सबसे पहले लिखना तो नेचर बता दो कौन सा वाला कोलैबोरेशन, दूसरे में क्या बताने का, फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज, तीसरा रिसाइटल बता दो शॉर्ट में, फिर आप पूरी डिटेल में बताना है मेन बॉडी। मेन बॉडी में देखो क्या लिखा है, नेम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द न्यू एंटिटी, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, रूल्स बताओ, एक्टिविटी अंडरटेकन, रोल ऑफ ईच पार्टी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड, नेम ऑफ चेयरमैन, ये वही सारी बातें ना जो भी हमने पढ़ी, मैनेजिंग डायरेक्टर, पावर, ड्यूटी, डिसाइड बाय द कंसेंसस, ये देखो ये सारे वर्ड वही है। तो आपने जो ये बातें पढ़ी ना, ये सब कौन सी पढ़ी है, ऑपरेटिव पार्ट के। तो जब भी मैं टर्म्स एंड कंडीशन बोलती हूं तो वो ऑपरेटिव पार्ट होता है। तो जब आप ड्राफ्ट करते हो तो ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है ये उन्होंने आपको बस थ्योरेटिकली बताया, ठीक। इसके बाद उन्होंने इसी के अंदर ऑपरेटिव पार्ट के ही अंदर को उन्होंने स्पेशल अलग से इंपॉर्टेंस दी है। अगर आपको ये लास्ट वाला पॉइंट याद हो, ये क्या लिखा है लास्ट वाला, कि अगर झगड़ा हो जाएगा तो अलग से, तो इन्होंने यहाँ पे लीगल एस्पेक्ट अलग बना दिया कि भाई अग्रीमेंट को अमेंड करना है तो फिर देख लेना, ड्यूरेशन, टर्मिनेशन, अगर डिस्प्यूट हुआ तो उसका भी क्या रिजोल्यूशन होगा। इन्होंने कहा लीगल पार्ट के लिए अलग से ऑपरेटिव पार्ट, मतलब ऑपरेटिव पार्ट को अलग अलग हेडिंग्स दे दी गई है, ठीक है, कि लीगल पार्ट की एक हेडिंग दे दी है, फिर क्या दे रखा है, कोर्ट को लेकर बात कर दी, इसी का है लीगल एस्पेक्ट, उन्होंने अलग दे दिया,
कॉन्फिडेंशियलिटी कि आप अग्रीमेंट तो कर रहे हो, आप हमारी इन्फॉर्मेशन किसी को डिस्क्लोज नहीं करोगे। क्या लिखा है? नॉन कम्पीट क्लॉज, बताया था मैंने, कॉम्पिटिशन आ जाता है, आप कहीं ना कहीं अपना एक कॉम्पिटिटर तैयार कर रहे हो, तो पहले टर्म्स एंड कंडीशन डाल दो कि कितने साल तक आप सेम काम नहीं करोगे। ठीक है, फिर क्या लिखा है? इंडेमनिफिकेशन, इंडेमनिफाई, कंपनसेशन, अगर कुछ भी फ्रॉड चीटिंग होता है जिस कारण से ब्रेक होता है तो भैया आप कंपनसेट करोगे। और प्रोसीजर फॉर दी एग्जीक्यूशन, कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, एग्जीक्यूटिव मतलब कि ऑपरेशन, कैसे काम किया जाएगा, इंप्लीमेंटेशन। क्लियर है? तो इन शॉर्ट ऑपरेटिव पार्ट के बाद जितनी सारी चीजें हैं ये सारी की सारी क्या है? टर्म्स एंड कंडीशन। जैसे मैं एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट आपको बताती हूँ, सबसे पहले एप्लीकेशन लिखते वक्त हम किसको डिनोट करते हैं? फॉर एग्जांपल स्कूल में एप्लीकेशन लिखी टू द प्रिंसिपल ऑफ, है ना, क्लास टीचर ऑफ, स्कूल का नाम लिखा, तो ये भी ऐसे कह रहे हैं भाई डिस्क्रिप्शन बता दो पार्टीज का नेम, और फिर एप्लीकेशन सब्जेक्ट देते हैं तो रिसाइटल होता है। रिसाइटल में शॉर्ट में आपको स्टोरी बतानी होती है किस चीज को लेकर है, इसी में लिखा होगा, ऊपर हेडिंग में लिखा होगा कि ये क्या है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कोलैबोरेशन है या फिर जॉइंट वेंचर है, ये ऊपर लिखा होगा। लेकिन रिसाइटल में लिखा होगा दिस सिचुएशन एग्जिट प्रियर टू द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस अग्रीमेंट इज ऑल्सो यूज टू कन्वे द इंटेंशन, पार्टीज का इंटेंशन बता देगा। पार्टीज का इंटेंशन क्या है कि दोनों पार्टीज इंटरेस्टेड है क्या करने में, ज्वाइंट वेंचर करने में, इक्विटी वाला करने में या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल, जो भी है शॉर्ट में बता दिया जाएगा। क्लियर है? पक्का? तो अब ये हेडिंग देखो, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो हमें लिखना क्या है, दिमाग में अभी ये क्वेश्चन आ रहा है, साफ साफ अगर क्वेश्चन में लिखा है एसेंशियल कंपोनेंट्स बताओ तो कंपोनेंट्स में ये बातें लिखनी है, एसेंशियल फीचर्स बताओ तो फिर ये बातें लिखनी है, या फिर की इशू बताओ, इशू लिखा है या फिर फीचर वर्ड लिखा है तो ये सारी बातें बताना है, कंपोनेंट लिखा है तो आपको ये वाली बातें बताना है। बन जाएगा क्या, मतलब हेडिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अब यहां पे पूरा जॉइंट वेंचर खत्म होता है, एक ही टॉपिक है, दैट वाज एसपीवी। पहले समझ लो एसपीवी का फुल फॉर्म क्या है, स्पेशल पर्पस व्हीकल, कुछ नहीं जॉइंट वेंचर का ही टाइप समझ लो एक। हमने जॉइंट वेंचर क्यों करते हैं, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, काम खत्म तो जॉइंट वेंचर खत्म। आपने एक स्पेशल पर्पस के लिए कंपनी बनाई है, काम खत्म, ये स्पेशल पर्पस व्हीकल भी खत्म। अगर मैं बोलूं स्पेशल पर्पस कंपनी है ये, तो नाम से क्या समझ में आ रहा है, एक टास्क है, एक पर्पस है जिसको करने के लिए आपने बनाया, फिर ये खत्म। नॉर्मल कंपनी क्या होती है, क्या नॉर्मल कंपनी को मैं जनरल पर्पस कंपनी बोल सकती हूँ? ये जनरल पर्पस के लिए बनाया है, चलती रहेगी, जलती रहेगी, गोइंग कंसर्न है ये, परपेचुअल सक्सेसिटी है। लेकिन ये स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या है, स्पेसिफिक पर्पस, काम खत्म, कंपनी को खत्म कर देंगे। जनरली क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनी होल्डिंग कंपनी एक सब्सिडी कंपनी अपने अंडर बना लेती है, समझना, होल्डिंग कंपनी क्या करती है, सब्सिडी कंपनीज बना देती है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारी बैलेंस शीट में होता क्या है, मुझे कोई एक काम करना है, फॉर एग्जाम्पल आईटेक्स कंपनी को एक बहुत बड़ा काम करना है, रिस्क लग रहा है, बहुत बड़ा मैनेजमेंट लग रहा है, तो हमने क्या किया, एक अलग से कंपनी बना दी और उसे क्या बना दी, होल्डिंग ओन सब्सिडी बना दी अपनी, मेरी ही कंपनी है। ठीक है, अब कल को कोई भी बड़ी दिक्कत आएगी, क्या दोनों के एसेट सेपरेट होते हैं? हाँ, मेरी कंपनी के एसेट होल्डिंग के अलग है और सब्सिडी के अलग है, दोनों की बैलेंस शीट अलग बनती है। हाँ, अगर मैं लोन ले रही हूं तो क्या उसकी बैलेंस शीट में दिखेगा? अगर वो लोन ले रहा है क्या मेरी बैलेंस शीट में दिखेगा? नहीं, मुझे एक बहुत बड़ा हेवी प्रोजेक्ट करना है और मैं नहीं चाहती कि मेरे करंट बिजनेस को इफेक्ट करे, तो मैंने एक अलग से कंपनी बनाई उस प्रोजेक्ट को काम करने के लिए, खत्म करने के लिए। उस प्रोजेक्ट में कुछ भी दिक्कत आती है तो किसकी बैलेंस शीट खराब होगी, उस कंपनी की। क्या होल्डिंग कंपनी में आज भी आएगी? नहीं। तो इसी पर्पस के लिए अक्सर ये स्पेशल पर्पस व्हीकल बना लिया जाता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर लोन लेना है तो वो लोन लेगी, डिफॉल्ट किया तो वो डिफॉल्ट करेगी, उसके साथ दिक्कत होगी, मेरी बैलेंस शीट हमेशा क्लीन चिट रहेगी। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल किसी एक प्रोजेक्ट, किसी एक टास्क को खत्म करने के लिए किया जाता है, ठीक है, और बिना किसी इफेक्ट के होल्डिंग कंपनी आसानी से चल देती है, तो जनरली ये सब्सिडी के फॉर्म में बनती है। क्लियर है? तो ये जॉइंट वेंचर के लिए ही है, लेकिन जॉइंट वेंचर में क्या हो रहा है, जॉइंट वेंचर में दो अलग लोग आके जुड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दो अलग लोग आके जुड़ रहे हैं क्या? नहीं, होल्डिंग कंपनी ही अपने एक दूसरे काम के लिए अलग से एक कंपनी बना देती है जो सब्सिडी के फॉर्म में बना देती है। सब्सिडी फॉर्म भी हो सकता है, पार्टनरशिप फॉर्म भी हो सकता है, कोई भी फॉर्म हो सकता है, लेकिन पर्पस समझ में आया कि मेन बिजनेस को इफेक्ट ना हो, इसीलिए हमने एक अलग से सेपरेट एंटिटी बना दी। क्लियर है? बैंक को लेकर बताया था क्या मैंने, बता, ध्यान देंगे। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल का आपने पूरा कोर समझ लिया है, अब बस रीड करना है, ध्यान दो। स्पेशल पर्पस व्हीकल बोलो या फिर स्पेशल पर्पस एंटिटी, एक ही बात है, एक ही बात है। चलिए, इसे क्यों बनाया जाता है, स्पेशल पर्पस के लिए। कंपनीज एंटिटीज क्लोज वंस द पर्पस इज अटेंड, काम खत्म, कंपनी बंद कर दो,
चलो, एसपीवी जनरली क्या होती है, सब्सिडियरी कंपनीज होती है हुज ऑब्लिगेशन आर सिक्योर्ड, उसकी ऑब्लिगेशन उसकी है वो सिक्योर्ड है। मान लो होल्डिंग कंपनी का दिवालिया निकल गया, ये भी तो हो सकता है, तो कौन बच जाएगा? अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, होल्डिंग कंपनी बुरा परफॉर्म कर रही है, तो सब्सिडी बच जाएगी। अगर होल्डिंग कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और वो बुरा परफॉर्म कर रही है, तो होल्डिंग कंपनी बच जाएगी। तो बनाने का पर्पस यही है कि दोनों ना डूबे, दो अलग अलग नाव में हमने पैसे को रख दिया है, एक डूबेगी और एक बच जाएगी। बात समझ में आ गया है? इवन इफ द पेरेंट कंपनी गोस बैंकरप्ट, समझ में आ गया। चलिए, एसपीवी बोलो या एसपीए एक ही बात है, फॉर्म थ्रू क्या क्या बना सकते हो, लिमिटेड पार्टनरशिप मतलब एलएलपी, लिमिटेड पार्टनरशिप वही है ना, अदरवाइज पार्टनरशिप हमेशा क्या होता है, अनलिमिटेड। ट्रस्ट का फॉर्म कॉर्पोरेशन या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी कॉर्पोरेशन, मतलब कंपनी की बात कर रहे हैं। तो आप इस एसपीवी को किस फॉर्म में दे सकते हो, कंपनी बना सकते हो, पार्टनरशिप फॉर्म बना सकते हो, ट्रस्ट बना सकते हो और कॉर्पोरेशन। ट्रस्ट भी कौन सा वाला, चलो गुड। एक एग्जाम्पल देके उन्होंने यहाँ पे समझाया है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिशन, एक्चुअल में हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने एक मिशन चलाया, किस चीज का मिशन, स्मार्ट सिटीज का। इन्होंने कहा कि जो ये गवर्नमेंट ने मिशन चलाया स्मार्ट सिटीज बनाने का, तो ये काम किसको दे दिया, एसपीवी को। एक बस हमारी सिटी स्मार्ट हो गई, ये एसपीवी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल देके बस समझाया उन्होंने। चलिए, एसपीवी का फायदा क्या है, दो टर्म अक्सर यूज होते हैं, ध्यान देना। एक एसपीवी और दूसरा क्या लिखा है, स्पॉन्सरिंग कंपनी, समझना। क्या एक नॉर्मल कंपनी और कंपनी के प्रमोटर समझते हैं, समझते हैं। क्या एक सब्सिडी कंपनी और एक होल्डिंग कंपनी समझते हैं। एसपीवी क्या है, सब्सिडी कंपनी है। स्पॉन्सर कंपनी कौन सी होगी, लेकिन एसपीवी के केस में हम उसे होल्डिंग कंपनी ना बोलकर क्या बोलेंगे, स्पॉन्सर। वर्ड समझ में आ रहा है, इन्होंने स्पॉन्सर किया है, मतलब इन्होंने पैसा लगाया, तो पैसे लगाने वाला कौन होता है, हमेशा होल्डिंग कंपनी। तो एक तरफ एसपीवी, एक तरफ स्पॉन्सर कंपनी है, ठीक है, वो प्रोटेक्ट करती है। अब इन्होंने कहा कि चलिए मॉडल समझते हैं एसपीवी का। इसमें क्या होता है, एसेट्स की ओनरशिप किसके पास होती है, एसपीवी की कंपनी की खुद की। क्या उसमें पेरेंट कंपनी का कुछ हाथ है क्या, होल्डिंग कंपनी का कुछ हाथ है क्या, बिल्कुल नहीं, सेपरेट है ना, इसीलिए तो हमने बनाया था ताकि इफेक्ट ना हो। देन क्या लिखा है, क्योंकि ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए कुछ टाइम बाद बंद हो जाएगी, तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया ये चीप एंड इजी टू सेटअप है, ठीक है, पर्पस खत्म, बंद भी करना आसान है। क्या लिखा है, क्लैरिटी ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, इन्होंने साफ साफ बोल दिया लिमिट अच्छे से लिखी होनी चाहिए, प्रोहिबिटेड लिखा होना चाहिए, क्या क्या काम नहीं कर सकते, क्या क्या काम कर सकते, लिमिट मतलब क्या क्या कर सकते दायरे में, उस लिमिट को क्रॉस कर दिया, कब हम इसे ऑथराइज अनऑथराइज बोलेंगे, ये सारी चीजें क्लियरली रिटन फॉर्म में होनी चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, अच्छा खासा टैक्स बेनिफिट मिलता है, यहां पर अवॉइड कर लिया जाता है टैक्स, ठीक है। एसपीवी में बहुत सारी छूट मिलती है, क्योंकि अभी देखा ना गवर्नमेंट भी बना रही है इसको, तो इसमें अच्छी खासी छूट मिलती है और टैक्स भी अवॉइड हो जाता है। लीगल प्रोटेक्शन, एसपीवी अप्रोप्रिएटली दी स्पॉन्सर में, स्पॉन्सर कौन है, होल्डिंग कंपनी। एसपीवी जो अप्रोप्रिएटली स्पॉन्सर में लिमिट द लीगल लाइबिलिटी इन द इवेंट दैट अंडरलाइंग द प्रोजेक्ट इज फेल, मान लो फेल हो गया तो कौन बच जाएगा, होल्डिंग कंपनी, एसपीवी में बात आएगी। नेक्स्ट क्या लिखा है, अकाउंटिंग रीजन, क्या लिखा है, ये वही वाला है जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है, लोन लेना है, ठीक है। लोन किसने लिया, एसपीवी में, क्या मेरी बैलेंस शीट में दिख रही है, कंसोलिडेटेड में दिखेगी, लेकिन कंसोलिडेट में भी लिखा होगा ना कि एसपीवी ने लिया है, ये थोड़ा ना कि होल्डिंग ने लिया है। एक तरफ ए कंपनी, एक तरफ बी कंपनी है, एक तरफ सब्सिडी कंपनी, एक तरफ होल्डिंग कंपनी है। मैं कंसोलिडेट बैलेंस शीट भी बनाती हूँ, लेकिन कंसोलिडेट में भी लिखोगे सब्सिडी ने ये लोन लिया है, होल्डिंग ने ये लोन लिया, तो होल्डिंग का लोन अलग है और सब्सिडी का अलग। तो डेट अगर एसपीवी ने किया है तो नॉट रिफ्लेक्ट द बैलेंस शीट ऑफ द स्पॉन्सर, स्पॉन्सर मतलब होल्डिंग कंपनी, इट रिफ्लेक्ट द प्रेजेंट पिक्चर, एक अच्छी पिक्चर दिखती है कि भाई होल्डिंग ने नहीं लिया, जो लिया एसपीवी ने, डूबा कौन है, एसपीवी, चुका कौन नहीं पा रहा, एसपीवी, बेड डेट किसके दिख रहे हैं, एसपीवी के। तो बस ये कह रहे हैं कि अकाउंटिंग रीजंस के कारण भी कि शो आपकी बैलेंस शीट क्लियरली दिखेगी। जो दिमाग लगाने वाला ऑफ कोर्स वो दिमाग लगा लेगा कि इन्हीं का तो पैसा है, लेकिन इतना दिमाग लगाता कौन है ये बताओ, बस इन्वेस्टर्स, कितने परसेंट इन्वेस्टर्स हैं जो बिल्कुल दिमाग सोच समझ कर पैसा लगाते हैं, बहुत कम है दिमाग लगाने वाले लोग, आधे से ज्यादा तो रूमर्स में चले जाते हैं, हाँ ये सुना चलो ये कर दो ये कर दो, पता भी नहीं करते कि कितनी बात सच है कितनी बात झूठ है। जब आप व्हाट्सएप के, इंस्टाग्राम के पोस्ट से या व्हाट्सएप के मैसेजेस से क्या हो जाते हो कि अच्छा ऐसा हो रहा है, क्रॉस चेक करते हो वो सच है कि नहीं, आधे से ज्यादा फेक बातें रहती हैं। तो एक्चुअली में बस यही कह रहे हैं कि दिखाने के लिए तो आप क्लीन हो, अंदर से क्लीन हो क्या, नहीं हो, दिखावे में आप क्लीन आ जाओगे।
द की एडवांटेज दैट दे हेल्प सेपरेट कर रहे हैं. क्या सेपरेट कर रहे हैं? रिस्क हटा रहे हैं ना. रिस्क सबका सेपरेट है, उनका अलग सेपरेट है. ठीक, चलो फ्री अप कर रहे कैपिटल. एज अ रिजल्ट एसपीवी दी स्पॉन्सरिंग कंपनी आर प्रोटेक्ट अगेंस्ट द रिस्क. दोनों अलग है. इंसॉल्वेंसी की बात आती है तो अगर वो इंसॉल्वेंट हो तो ये बच जाए, ये इंसॉल्वेंट हो रहा तो वो बच जाएगा. दी एसपीवी ऑल्सो क्या लिखा है? सिक्योरिटाइजेशन वैसे विदाउट डिस्टर्बिंग द मैनेजमेंट मैनेजरियल रिलेशनशिप. सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एसेट्स मतलब क्या होता है? एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी, नाम तो सुना ही होगा, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये एसपीवी होते हैं. इन्हें स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है. बैंक का लोन रिकवर नहीं हो रहा है, बैंक है भारी परेशान, तो बैंक किसको अप्रोच करती है? एक्चुअल में एक एसपीवी बनाया जाता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल. वसूली भाई, ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी वो वसूली भाई है जो बस काम करने के आए हैं, वसूलने. लोन वसूल लिया, रिकवर कर लिया, अब खत्म. ठीक, चलो पर्पस क्या है? मेन पर्पस समझो. मेन पर्पस क्या है? स्पेशल पर्पस बिकॉज अलाउ दी मेन पर्पस पेरेंट कंपनी को बचाना है, दैट्स इट. रिस्क अलग करना है. हाईली लिवरेज स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट विदाउट एंडेजिंग दी एंटायर कंपनी. हम पूरी कंपनी को नहीं डेंजर सिचुएशन में डाल रहे हैं, रादर हमने एक अलग से सेपरेट अंडरटेकिंग बना ली. सक्सेसफुल हो गए तो अच्छी बात, डूब गए तो बच गए हमारी मेन कंपनी. ठीक, एसपीवी मोस्टली फॉर्म किया जाता है पैसे उठाने के लिए, मार्केट से, सरकार से, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, क्रिएशन के लिए. एसपीवी क्रिएट किया जाता है बाय द पेरेंट कंपनी. लार्ज स्केल प्रोजेक्ट को करने के लिए ऑपरेशन ऑफ द एसपीवी इज ए लीगली लिमिटेड स्पेसिफिक एसेट. स्पेसिफिक पर्पस है तो उसके एसेट्स भी क्या होंगे? स्पेसिफिक. ये जनरली नहीं बनाया जाता है. कुछ ना कुछ एक काम होगा, टास्क होगा, खत्म किया जाएगा, दैट्स इट. मेन पर्पस क्या है? पेरेंट कंपनी ही बनाती है सब्जी कंपनी को ताकि अपने आप को बचा सके या उसको बचा सके. दोनों रीजन हो सकते हैं ना. हम बहुत लॉस में चल रहे हैं, चलो एक नया बिजनेस चालू करें जो सेपरेट होगा. लोगों को हम पे भरोसा नहीं है, अलग से कंपनी बना लो, उसमें बना लो. पता भी नहीं है किसकी क्या होल्डिंग, किसकी क्या सब्सिडी. बस नई कंपनी देखी, कूद गए अपन भी, है ना. उसी लॉस मेकिंग कंपनी की थी, अब काम कर गई तो अच्छी बात, अदरवाइज गई. ठीक है, चलिए. इन्होंने कहा एसपीवी कौन कौन बनाता है? बैंक भी बनाते हैं. बैंक अभी एग्जाम्पल दिया, वसूली भाई एसेट मैनेजमेंट कंपनी. इनडायरेक्ट एक्विजिशन ऑफ एसेट. अगर आपको कोई एक एसेट खरीदने हैं, अलग से सेपरेट रखने हैं, तो क्या करो? एसपीवी अलग से कंपनी बनाओ और उसके नाम पर ले लो. तो इसे इनडायरेक्ट एक्विजिशन ऑफ एसेट्स बोलेंगे. और गवर्नमेंट भी एसपीवी का यूज करते हैं. अभी एक एग्जांपल दिया था, मिशन बनाया था अपन ने स्मार्ट सिटीज बनाने का. तो ये पूरी डिटेल में यही एग्जाम्पल दे दे के बता रहे हैं कि बैंक, गवर्नमेंट, इनडायरेक्ट कुछ भी खरीदना है, इन सब के लिए एसपीवी बनाया जाता है. काम खत्म, एसपीवी खत्म. समझ में आ गया? इसको स्टार्ट करना, इसको फॉर्म करना, रजिस्टर करना इजी, और इसे क्लोज करना, वाइंड अप करना भी इजी है क्योंकि ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए. क्लियर है? डिफरेंस बिटवीन एक नॉर्मल कंपनी और एक एसपीवी. एसपीवी क्या है? सब्सिडी, स्पेशल पर्पस के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए. कंपनी क्या बोलूंगी? जनरल पर्पस कह सकती हूँ. मार्केट से, इन्होंने कहा ये इंडिपेंडेंट ऑफ मेंबर्स है, ये अलग है. ठीक है, सारे रेगुलेशन फॉलो करता है. नॉर्मल कंपनी को एक जो मिलते हैं ना अधिकार, कौन कौन से? केस फाइल करने का, प्रॉपर्टी होल्ड करने का, वो सभी से भी मिलता है. लेकिन सबसे मेन डिफरेंस क्या है? ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए. कंपनी तो एक जनरल पर्पस के लिए बना रहे हैं, तो कंपनी यस एसपीवी से अलग है क्योंकि कंपनी बनती है जनरल पर्पस के लिए, एसपीवी बनती है स्पेशल पर्पस के लिए. खत्म. कैसे एसपीवी को एस्टेब्लिश किया जाता है समझो. अब होल्डिंग कंपनी, क्या मैं इन्हें प्रमोटर्स बोल सकती हूँ? एसपीवी के प्रमोटर्स बोल सकते हैं. तो उन्होंने भी ये लिखा है, एसपीवी मस्ट हैव, उनका प्रमोटर पक्के से होगा. वो प्रमोटर एक तरीके से कौन है? स्पॉन्सर, या फिर मैं उसे क्या बोलूं? होल्डिंग कंपनी. स्पॉन्सर जो कंपनी होती है, ये क्या लिखा है? हाइव्स ऑफ, मतलब सेपरेट करना. हम इनके एसेट्स अलग करने वाले, क्योंकि अगर मेरी कंपनी होल्डिंग कंपनी का अगर वाइंड अप हो रहा है तो होल्डिंग कंपनी के एसेट्स बिकेंगे, एसपीवी के एसेट्स नहीं बिकेंगे, बच जाएंगे. तो बेसिकली पर्पस समझ में आया, ये सब्जी होल्डिंग कंपनी का रिलेशन है, बस बचाने के लिए कर रहे हैं. ठीक है, रेस्ट ऑफ द कंपनी एसपीवी बची जाएगी. तो उन्होंने एसेट्स एक्टिविटी डिस्टेंस फ्रॉम द पेरेंट कंपनी, अलग होते हैं दोनों के, सेपरेट होते हैं, कभी किसी में आंच नहीं आने वाली. किसी एक की परफॉर्मेंस खराब है तो नॉट अफेक्ट द अप्स डाउन ऑफ द ओरिजिनल एंटिटी, होल्डिंग पे बात नहीं आएगी. या फिर बच्चा ऑपोजिट भी हो सकता है, वाइस वर्सा. ठीक है, अगर वो ठीक चल रही तो होल्डिंग कंपनी
उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, होल्डिंग कंपनी खराब है, तो उस पर भी इफेक्ट नहीं होता है। क्लियर है? गिजिबिटी बातें एक ही है। सबका कंक्लूजन क्या था? उसके मीनिंग में था। वो मीनिंग क्या? एसपीवी स्पेशल पर्पज के लिए बनाया जाता है और जनरली होल्डिंग बनाती है किसके लिए? सब्सिडी। एसपीवी व्हीकल है फंड रेज करने का। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, सबसे ज्यादा पैसा किसमें लगता है? इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो उन्होंने कहा कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है वो भी क्या बनाती है? एसपीवी, ताकि मार्केट से क्या उठा सके? पैसा। बस एग्जाम्पल देके उन्होंने यहाँ पे बताया, डेवलपमेंट करे इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा ज्यादा लगता है। जैसे एग्जाम्पल सेम स्मार्ट सिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगेगा, गवर्नमेंट इसलिए एसपीवी बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग बना दिए और ये लोग मार्केट से पैसा उठा उठा के इसमें लगाएंगे, कल को आपको रिटर्न भी दे देंगे, कंपनी बनाए तो रिटर्न भी हो जाएगा। इन्होंने कहा जब ये प्रोजेक्ट पे काम होता है तो आप ज्वाइंट वेंचर में कर सकते हो या फिर सब्सिडी में या फिर पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, या फिर ये सुना सुना कुछ लग रहा है, टर्नकी प्रोजेक्ट्स मतलब इंपॉर्टेंट 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 की लिस्ट में क्या क्या आता है? जो तुम बोल रहे हो इलेक्ट्रॉनिक वही आ जाता है, ठीक है? तो वो पूरी एक लिस्ट है, उसमें जो आते हैं वो सारे। उन्होंने कहा इस हिसाब से आप क्या करते हो, रेवेन्यू इकट्ठा करते हो, ये फॉर्म बनाओ और मार्केट से पैसा उठाओ लगाओ। क्लियर है? नेक्स्ट क्या लिखा है? कंपनी का भी बना सकते हो ना एसपीवी और एलएलपी का भी। अगर पुराने में एलएलपी वाला है क्या? हाँ, क्योंकि होना ही चाहिए, क्योंकि होता क्या है ना, पुरानी बुक में थोड़ा फोकस कंपनीज को देखकर कर रखा है, लेकिन यस एलएलपी भी अब इंपॉर्टेंट हो चुका है। चलिए, फॉरेन कंपनी चाहे तो क्या कर सकती है? इन्होंने क्या बोल रखा है, एलएलपी एक्ट आने से पहले कब आया था? 2008 में। तो हमारी इंडिया में लिमिटेड पार्टनरशिप फर्म नाम की तो चीज थी ही नहीं, तो बाहर के लोग इंडिया में पैसे भी कैसे लगाए? उनके पास एक ही रास्ता था, वो रास्ता क्या था? कंपनी। यही लिखा है, ओनली ऑप्शन की कंपनी था, जिस कारण से वाइंडिंग अप में हो जाती थी दिक्कत। बाहर के लोग इंडिया में पैसे लगाते थे, पैसा तो लगा दिया, कंपनी का वाइंड अप हो गया, दिवालिया निकल गया, मिलने की प्रोसेस डिले, तो भैया उसका पैसा लटका हुआ है ना, और शायद मिलेगा भी नहीं। आज के टाइम पे क्या चुका है, कंपनी की जगह किसने ले लिया है? एलएलपी ने। कंपनी भी अलग काम करी, एलएलपी ने। इसकी प्रोसेस थोड़ी सी ज्यादा फास्ट है, ठीक है? तो फॉरेन कंपनी नॉट परमिट इन्वेस्ट इन दी पार्टनरशिप फर्म पहले, लेकिन अब है। कब? 2015 के बाद से उन्होंने बोल दिया फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या आ गया आपका, एलएलपी भी आ गया। अब सीधा उन्होंने एडवांटेजेस लिखा है, पहला एडवांटेज आप बताओगे क्या लिखा है? इनकॉर्पोरेशन ऑब्वियसली लो कॉस्ट होगा कंपैरिजन टू कंपनी, फ्लेक्सिबिलिटी मैनेजमेंट गवर्नेंस अग्रीमेंट। देखो ये कंपनी नहीं है, कंपनी के केस में फ्लेक्सिबिलिटी था, ठीक है? फ्लेक्सिबिलिटी के रूल्स इन्होंने कहा मैनेजमेंट गवर्नेंस आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, यहां फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी के, ठीक है? पार्टनर्स कैन क्या लिखा है, कंपनी में क्या होता था, अलग होता था, इन्होंने बोला सेम ही हो सकता है, कोई इशू नहीं। यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म की बात हो रही है, पार्टनर्स कैन बी कंपनीज वाइल मैनेजिंग इज डिजिग्नेटेड पार्टनर हु आर द इंडिविजुअल बाय दिस, क्या लिखा है, डाइवर्स बिटवीन द ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट। कंपनी के केस में क्या होता था, मैनेजमेंट अलग, ओनरशिप अलग, एलएलपी में तो एक ही होता है ना। लो एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट होगा कंपेरिजन टू कंपनी, नॉट बी नेसेसिटी ऑफ द गेटिंग अकाउंट ऑडिटेड बिफोर द प्रोजेक्ट टेक ऑफ, ठीक है? उन्होंने कहा ऑडिट करने की जरूरत नहीं, कंपनीज के केस में ऑडिट वगैरह कंप्लाइंस ज्यादा है कंपनीज में, ठीक है? एलएलपी फर्म डज नॉट हैव एनी, कंपनी में डिविडेंड आता है तो ऑब्वियसली उसी में टैक्स आएगा, इसमें टैक्स नहीं है। ये कुछ नहीं कंपनी को लेके बुराई करे, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है? वॉलंटरी वाइंडिंग अप ऑन द एलएलपी फर्म विच हैज नो क्रेडिटर्स वेरी इजी एंड कैन बी डन विदाउट इंटरवेंशन। इन्होंने कहा ये सारी चीजें किसमें होती है, कंपनीज में होती है, वाइंडिंग अप, क्रेडिटर से कंसर्न लो वगैरह वगैरह। इन्वेस्टमेंट एलएलपी फर्म इज परमिटेड ओनली इन द सेक्टर ऑफ द 100% एफडीआई परमिटेड थ्रू द ऑटोमेटिक विदाउट एनी परफॉर्मेंस लिंक कंडीशन। ऑटोमेटिक रूट मतलब बिना किसी परमिशन के इधर आ जाओ। क्लियर है? तो ये सारे फायदे। अब इसके बाद कुछ बचा है क्या? यहाँ पे चैप्टर होता है ओवर। समझ में आ गया पक्का?